hello students welcome all of you in this video i am kumar are going to discuss a very very important topic in plasma physics which is alfven wave for bsc part 3 physics courses in lecture number 5 of plasma physics alfven wave is also known as hydromagnetic wave in the domain of magnetohydrodynamics that is motion of fluid due to magnetic field प्लाज्मा कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल कंपोनेंट कंडक्टिंग फ्लूइड वेन्स सच ए फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्मेटिक फील्ड मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वेब्स और आल्मेन वेब्स आर प्रोपेगेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच वेब्स दैट इज आल्मेन वेब्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाई आल्समेन एंड हेंस दीज वेब्स आर कॉल्ड आल्बेन वेब्स मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में प्लाज्मा को सिंगल कंपोनेंट कंडक्टिंग फ्लूइड जैसा ट्रीट किया जा सकता है जब ऐसा फ्लूइड डेट इज प्लाज्मा को कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या ऐसे फ्लूइड के क्रॉस ऐसे फ्लूइड को सब्जेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक uh, फील्ड में तो मैग्नेटोहाइड्रोडाइनमिक वेब्स और आल्समैन वेब्स का प्रोपेगेशन होता है सच वेब्स को दैट इज आल्समैन वेब्स को सबसे पहले डिटेक्ट किया आल्समैन ने इसलिए ऐसे वेब्स को आल्सम वेब्स कहा जाता है नाउ एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ आल्समैन वेब दैट इज आल्समैन स्पीड सपोज दैट डी एबीसीडी एजन इन फिगर वन डी और प्लाज्मा इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड बी जीरो कैपिटल बी इन सफिक्स जीरो इज़ बी जीरो वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस एज दोन इन दिस फिगर नंबर वन बी जीरो इज द एक्सटर्नल मैटिक फील्ड और यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्टेड टू प्लाज्मा एलॉन्ग जेड एक्सिस सपोज द सेजमेंट ऑफ प्लाज्मा ए बी सी डी इज सपोज द सेजमेंट ए बी सी डी ऑफ प्लाज्मा एक्सटेंड्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस सपोज किया जाता है कि प्लाज्मा का सेजमेंट ए बी सी डी सपोज किया गया है जिसे एक्जिट प्लेन में वह वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करता है एंड इज गिवेन बाई ए वेलोसिटी वी वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग भी वेक्टर तो प्लाज्मा के सजमेंट एबीसीडी को सपोज किया जाता है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंडेड uh, है डेट इज पैरल टू वाई एक्सिस एक्सटेंडेड पैरल टू वाई एक्सिस विथ वेलोसिटी भी वेक्टर देयर फोर फोर्स डेट इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू हुज मोशन इज अला वाई एक्सिस इज गिवेन वाई एफ एक्स एफ एक्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू मूविंग एलांग वाई एक्सिस इज एफ एक्स इज कल टू एफ एक्स वैक्टर इजकल टू एक्स अफिक्स में है इजकल टू क्यू अंडर ब्रैकेट भी वैक्टर क्रॉस बी जीरो वैक्टर भी वैक्टर दैट इज वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज क्यू इज अलांग वाई एक्सिस सिंस the segment of plasma a b c d is subjected parallel to is extended parallel to the y axis and b0 is the constant magnetic field applied along z axis so direction of force acting on charge q moving along y axis is perpendicular to the plane containing both velocity v vector of charge and magnetic field b vector that is along x axis this is lorentz magnetic force चूंकि चार्ज का मोशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है जेड एक्सिस के लॉन्ग देयर फोर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज क्यू विल बी डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग कंटेनिंग द मोशन ऑफ कंटेनिंग द मूविंग चार्ज क्यू दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई डलोंग जेड एक्सिस

यह फोर्स निगेटिव चार्ज को लेफ्ट डायरेक्शन में एंड पॉजिटिव चार्ज को राइट right डायरेक्शन में मूव uh, कराने की टेंडेंसी होगी उसकी जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस प्लाज्मा में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता प्रोड्यूस uh, हो जाता है जिसे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है अब इंड इंड्यूस करंट के कारण दो इंड्यूस करंट के कारण प्लाज्मा में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन द मूविंग चार्ज तो इसके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो के अलावा कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो के अलावा एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करेंट प्लाज्मा में प्रोड्यूस हो जाता है जिसे सपोज किया जाए बी वन वैक्टर सपोज बी वन वैक्टर इज द मैनेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करेंट सेटअप इन द प्लाज्मा सो

now from ampere's circuital law we have minus del capital b1 y upon del z equals to mu0 into jx where jx is the x component of current density and b1y is the component of magnetic field produced by induced current along y axis that is y component of induced magnetic field b1y in the absence of viscous and gravitational forces the hydromagnetic equation of force is rho dv upon dt equals to j vector cross b vector that is cross that is cross product of current density j vector and magnetic field b vector minus grad p हेयर भी इज कल टू भी वाई सिंस मोशन ऑफ चार्ज टू इज एलोंग वाई एक्सिस सो इन प्लेस ऑफ भी वी कैन राइट भी वाई एंड इन प्लेस ऑफ भी जेड दैट इज जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल बी जीरो बिकॉज वी हैव्स अप्लाइड कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्रॉस प्लाज्मा एक्रॉस प्लाज्मा फ्लूड एलोंग जेड एक्सिस हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग मैट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है अक्रॉस द प्लाज्मा फ्लूइड देयर फोर जेड कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक फील्ड बी जेड इज रिप्लेस्ड बाई बी जीरो बी जेड कैपिटल बी सपिक्स में जेड है जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट मैट्रिक फील्ड का उसके जगह रिप्लेस करेंगे बी जीरो बी नॉट एंड बी वन इज द मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इंड्यूस्ड करेंट सो बी वन इज Uh, replaced by B1Y that is uh, that is induced current uh, sorry that is magnetic field due to induced current along y axis B1Y is the component of induced magnetic field along y axis. Now we can write uh, y component of equation 4 that is इड्रोमैटिक इक्वेशन रो डी भी भेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट जे भेक्टर क्रॉस बी भेक्टर माइनस ग्रेड पी सो वाई कंपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशन विच इज गिवेशन फोर कैन बी रिटर्न एज रो डेल भी वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जे एक्स इंटू माइनस जे एक्स इंटू बी जीरो सिंस बी जेड इज रिप्लेस्ड बी जीरो कंपोनेंट ऑफ मैटिक फील्ड एलोंग जेड एक्स इज इज रिप्लेस्ड बाई बी जीरो क्योंकि हमने यूनिफॉर्मेट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट अप्लाई किया है बी जीरो को अप्लाई किया है प्लाज्मा फ्लूड के क्रॉस जेड एक्सिस के लॉन्ग सो सो वाई कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन फोर इज कैन बी रिटर्न एज रो डेल वी बाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस जे एक्स बी जीरो एंड भी के जगह रिप्लेस किया है वी वाई सिंस मोशन ऑफ चार्ज इज अलॉन्ग वाई एक्सिस सो भी इज रिप्लेसड बाई वी वाई सो इक्वेशन फोर इज दैट विच इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो मैग्नेटिक इक्वेशन ऑफ फोर्स गिवेन बाय फोर सो वाई कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन फोर इज रोड डेल भी डेल बी वाई अपॉन डेल्टी इज कल टू माइनस जे एक्स इंटू बी जीरो नाउ पुटिंग बी जीरो और सब्सटिट्यूटिंग सॉरी सब्सटिट्यूटिंग जे एक्स दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ करेंट डेनसीटी फ्रॉम इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन थ्री हेयर इज जे एक्स इज प्रेजेंट इन आरिजिस ऑफ इक्वेशन थ्री म्यू जीरो जे एक्स सो पुटिंग और सबिंग जे एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फोर डेट इज वाई कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोमैग्नेटिक इक्वेशन वी हैव वी गेट रो इन एल एच एस ऑफ इक्वेशन फोर इट इज रो डेल वी बाई अपॉन डेल्टी सो रो डेल वी बाई अपॉन डेल्टी इक्वल्स टू माइनस माइनस बी जीरो बी जीरो इज प्रेजेंट इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन फोर माइनस जे एक्स इन टू बी जीरो यहां पर हम बी जीरो तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो माइनस बी जीरो एंड jx का वैल्यू सब्स्टीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन थ्री से जेक्स इज माइनस वन बाई म्यू नॉट डेल बी डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेट यहाँ से इक्वेशन थ्री से जेक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई म्यू नॉट म्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा एल एच एस में डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेट सो इक्वेशन फोर बाई यूजिंग बाई इक्वेशन फोर बिकम्स आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जे एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री रोड वी बाई अपॉन डेल्टी रो डेल वी बाई अपॉन टी डेल्टीवल टू माइनस बी जीरो मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू ऑफ जे एक्स इज माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस वन बाई मॉट डेल बी वन बाई अपॉन डेल जेट फ्रॉम इक्वेशन थ्री वैल्यू ऑफ जे एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन फोर नाउ वी गेट डेल वी वाई अपॉन टी इन नेक्स्ट स्टेप डेल इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस सो बी नॉट इन आर एच एस बी नॉट अपॉन रो म्यू नॉट रो यहाँ से डिवाइड कर बोर्ड साइड्स में रो से डिवाइड कर देंगे इस सिचुएशन के तो एल एच एस में रो uh, कैंसिल हो जाएगा तो डेल डेल्टी टू प्लस माइनस माइनस प्लस बी नॉट अपॉन रो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल डेल कैपिटल बी वन वाई अपॉन डेल जेट नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ इन फॉर वेक्टर फॉर्म वी हैवी नोट एट ओम्स लॉ इनर फॉर्म इज करंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा वेक्टर, वेअर सिग्मा इज द सिग्मा इज द कंडक्टिविटी जे इज करंट डेंसिटी एंड ई वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इफ बोथ इन द इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट होम फ्लो इन भेक्टर फॉर्म एज जे एक्स वैक्टर इज इक्वल टू सिमा अंडर ब्रैकेट ई एक्स प्लस cross b vector uh, x component so it is a ohm's law in vector form and uh, ex vector is the x component of electric field and b vector cross b vector under bracket in suffix x suffix x is uh, x component of b vector cross b vector we can we can easily uh, uh, by using cross product we can easily obtain this value the value of b vector cross b vector uh, x component एज भी वाई वी जेड माइनस भी जेड वी वाई वी कैन राइट वी एक्स वी वैक्टर इजकल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप एंड बी भैक्टर एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑप्टेन कर लेंगे आइदर यूजिंग डिटर्मियांट फॉर्म और यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर एंड पॉर्पेटिकुलर यूनिट भैक्टर्स दैट इज आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इजकल टू जीरो एंड आई क्रॉस जे इजकल टू के जे क्रॉस आई माइनस के जे क्रॉस के जे क्रॉस के इजकल टू आई सो सिमिलरली वी कैन ऑबटेन द वैल्यू ऑफ भी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर एक्स कंपोनेंट एज भी वाई बी जेड माइनस भी जेड वी वाई इन नेक्स्ट स्टेप सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव ओम फ्लो इन भैक्टर फॉर्म इज जे एक्स वैक्टर इज कल टू सिमा यक्स वैक्टर प्लस वी वाई बी जेड माइनस भी जेड वी वाई इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ भी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर से इट इज इक्वेसन नंबर सिक्स सिंस वी जेड इज कल टू जीरो मोशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज क्यू इज एलांग वाई एक्सिस वी हैव सपोज्ड मोशन ऑफ चार्ज एलांग वाई एक्सिस इन प्लाज्मा सो जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जेड इज कल टू जीरो वी हैव भी इज टू वी वाई मेलो सिटी ऑफ चार्ज एलांग वाई एक्सी सो भी इज्कल टू भी वाई वि जेड इज्वल टू जीरो सो इक्वेशन सिड्यूस टू पुटिंग बराबर जीरो इन इन द ब्रैकेटेड टर्म इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन सिट इज सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म इन साइड द ब्रैकेट इज भी जेड बी वाई सो पुटिंग भी जेड इज्क्वल टू जीरो इन इक्वेशन सि गेट जे एक्स इज्कल टू दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ करेंट डेन्सीटी जे एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस वी वाई बीजेड इन प्लेस ऑफ बी जेड वी कैन राइट बी जीरो बिकाउज मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट मैनेटिक फील्ड इज अपलाई डे लॉन्ग जेड एक्सिस सो बी जेड इज एंड कॉन्स्टेंट मैनेटिक फील्ड वी हैव टेकन दी हैव डिनोटेड द कॉन्स्टेंट मैटिक फील्ड बाईस द सिंबॉल बी जीरो हमने कॉन्स्टेंट मैटिक फील्ड को बी जीरो सिंबॉल से डिनोट किया है तो बीजेड की जगह यहां पर बीजेड बी जीरो रिप्लेस कर देंगे देअर फोर एक्स कंपोनेंट ऑफ करंट डेन्सिटी जे एक्सर इज टू सिग्मा अंडर प्लस इी वाई बी जीरो इन इक्वेशन सिक्स नाउ इलिमिनेटिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन सेवन वी है कैपिटल इ एक्स इक्वल्स टू माइनस भी वाई बी नॉट प्लस जे एक्स अपॉन सिग्मा वेयर सिग्मा इज़ कंडक्टिविटी जे एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ करेंट डेंसिटी एंड कैपिटल बी जीरो इज द कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग जेड एक्सिस द प्लाज्मा एकरॉस द प्लाज्मा फ्लूइड फ्रॉम फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन वी हैव डेल डेल बी डेल बी वन वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल टी नाउ डिफेंशिएटिंग इक्वेशन एट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट इक्वेशन एट इज ई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वाई माइनस भी वाई बी नॉट प्लस जे एक्स अपॉन सिग्मा सो डिफेनशिएटिंग दिस इक्वेशन इट इज इक्वेशन नंबर एट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट डेल ई एक्स अपॉन डेल टी इन एल एच एस एंड इन आर एच एस इट इज डेल वी वाई अपॉन डेल्टी मल्टीप्लाइड बाई बी जीरो सिंस बी जीरो इज कॉन्स्टेंट प्लस वन बाई सिग्मा सिगमा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट सो इट इज वन बाई सिमा इन टू डेल डेल जे एक्स अपॉन डेल्टी पुटिंग फॉर डेल वी वाई अपॉन डेल्टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव इक्वेशन नंबर फाइव वी हैव ऑलरेडी टेकन विच वॉज डेल वी अपॉन डेल वी वाई अपॉन डेल्टी इक्वल्स टू बी is equal to b naught that is b 0 upon rho mu 0 multiplied by del b 1 y upon del t. We have already taken uh, taken it as equation uh, 5 in this video. So, putting for del v y upon del t from equation number 5, we get uh, del ex upon del t equals to minus, minus is here in the above equation, minus sign is present in uh, फर्स्ट टर्म ऑफ आर एच एस सो माइनस अंडर ब्रैकेट, द वैल्यू ऑफ डेल वी वाई अपॉन डेल्टी इज फ्रॉम फाइव इज बी नॉट अपॉन रो म्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेड ब्रैकेट प्रोज्ड मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट विच इज प्रेजेंट इन आर एच एस ऑफ द्यवेसन दिस इक्वेशन प्लस सेकेंड टर्म इज वन बाई सिग्मा इंटू डेल जे एक्स अपॉन डेल्टी इट इज द्ड टर्म ऑफ दैव ऑफ इक्वेशन which is represented by del e x upon del T equals to minus uh, sigma b y upon delta t multiplied by b 0 plus 1 by sigma del j x upon del t after equation after differentiating equation number eight with respect to time we have get uh, this result now again putting uh, for j x in equation uh, again putting for j x which is given in which is present in equation 1 क्वेशन इक्वेशन वन वाज वी है ऑलरेडी टेकन इन दिस वीडियो वाज माइनस डेल बी वन अपॉन माइनस डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेड इज इजल टू म्यू नॉट टू जे एक्स तो अब जे एक्स को वहाँ से इलिमिनेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन से और इस टर्म के मतलब जो इक्वेशन है इक्वेशन इक्वेशन का जो सेकेंड टर्म है आर एच एस का लास्ट इक्वेशन का तो वन बाई सिग्मा डेल जे एक्स अपॉन डेल टी तो यहाँ पर जे एक्स के जेस का वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन से माइनस वन बाई म्यू जीरो डेल बी वन वाई अपॉन अपॉन डेल जेड सो हेयर हेयर इन द सेकेंड टर्म ऑफ द लास्ट इक्वेशन विच इज इक्वेशन विच इज इक्वेशन डेल ई एक्स अपॉन डेल टी इज इजक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन रो म्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई बी जीरो प्लस वन बाई सिग्मा डेल जे एक्स अपॉन डेल्टी एंड लेट इट एज इक्वेशन नंबर टेन लेट इट एज इक्वेशन नंबर टेन फॉर कन्वीनियंस सुविधा के लिए इसे इक्वेशन टेन सपोज कर दिया जाए और इक्वेशन टेन के आर एच एस के सेकेंड टर्म में जे एस के बदले में जे एस के जगह पर इक्वेशन सिक्स से हम पुट करेंगे जे uh, एस uh, के जगह पर माइनस वन बाई यू जीरो डेल बी वन वाई अपॉन डेल्टी सो Uh, now we have uh, now equation 10 becomes finally equation 10 becomes del E x upon del E x upon del t in LHS equals to minus uh, minus B naught square B naught square that is B naught multiplied by B naught that is B 0 square or B naught square upon rho mu 0 upon rho mu 0 into del B 1 y upon del z. First term of equation 10 becomes minus b naught square by rho mu 0 multiplied by del b 1 y upon del z and second term uh, uh, second term uh, of equation 10 in our case becomes, uh, becomes using uh, that is substituting for j x from equation 1 second term becomes 1 by sigma into del upon del t under bracket minus 1 by mu 0 multiplied by del b 1 y upon del t which is uh, the value of j x from equation 1. टिंग सपोज इट इज इक्वेशन नंबर एलेवन नाउ डिफेंसिएटिंग इट डेट इज इक्वेशन डिफेंशिएटिंग इक्वेशन इलेवन विथ रेस्पेक्ट टू जेड इन बोथ साइड्स वी हैव डेल अपॉन डेल जेड डेल ई एक्स अपॉन डेल्टी एल एच एस इज एल एच एस बिकम्स डेल अपॉन डेल जेड अंडर डैकेट डेल ई एक्स अपॉन डेल्टी चूंकि एल एच एस में इक्वेशन इलेवन का डेल ई एक्स अपॉन डेल्टी है तो उसे अब डिफेंसिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में सो डेल अपॉन डेलजेड डेल जेड िएशन सो डेल अपॉन डेल जेड अंडर वैकेट डेल इ एक्स अपॉन डेल टीक्वल्स टू माइनस बी नॉट एक्वाट इज बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो रो मल्टीप्लाईडी डेल जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड टर्म इन आर ऑफ इक्वेशन एलेवन इज निगेटिव अंडर ब्रैकेट माइनस इज प्रेजेंट सो प्लस माइनस माइनस सो इट इज सेकेंड टर्म इज माइनस वन बाई म्यू जीरो सिग्मा माइनस माइनस वन बाई म्यू जीरो सिग्मा सिग्मा म्यू जीरो सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू uh, जीरो को ब्रैकेट के बाहर लाकर तो माइनस वन अपॉन म्यू जीरो सिग्मा इन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर बी वन बाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर डेट इज डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड ऑफ अपॉन डेल जेड ऑफ बी वन वाई अपॉन डेल जेड इज डेल बी वन स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर बी वन बाई अपॉन जेड स्क्वायर एंड इनटू डी टी डेल्टा टी सॉरीटा टी डेल टी डेल्टी इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट सो इक्वेशन इलेवन दैट इज एव ऑफ इक्वेशन आफ्टर डिफेंसिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू जेड बिकम्स फाइनली आई एम रिपिंग अगेन डेल अपॉन डेल जेड डेल ई एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस बी जीरो स्क्वायर कैपिटल बी जीरो स्क्वायर म्यू नॉट इन रो इंटू डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्योंकि डेल बी वन बाई डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेड है और इसे जब डेल जेड uh, के रिस्पेक्ट में डिफेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल बी वन वाई अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म बिकम्स निगेटिव प्लस सिंस माइनस इज प्रेजेंट इन साइड द ब्रैकेट इन साइड द सेकेंड टर्म ऑफ आर एच एस सो प्लस माइनस माइनस वन बाई म्यू जीरो इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट म्यू जीरो इंटू सिगमा इंटू डेल बाय डेल्टी प्रेजेंट है डेल अपॉन डेल्टी प्रेजेंट है तो डेल इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल बी वन अपॉन डेल जेड इज डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा टी जो कि प्रेजेंट है यहां सो नाउ इक्वेशन यूजिंग नाउ वी हैव फाइनल इक्वेशन इज डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल अपॉन डेल टी माइनस बी नोट स्क्त डेल जेड स्क्वायर माइनस वन वाई म्यू जीरो वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर डेल जेड इंटू डेल जेड डेल जेड डेल जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा टी जो कि पहले से प्रेजेंट था क्योंकि इक्वेशन टेन के आर एच एस में सेकेंड टर्म वन बाई जे सिगमा डेल डेल जे एक्स अपॉन डेल टी है तो इसमें डेल अपॉन डेल टी है और जे एक्स के बदले में हमने इक्वेशन वन से सब्सिट्यूट किया था सब्सटीट्यूट किया है माइनस वन बाई म्यू जीरो इक्वेशन वी गेट इक्वेशन सॉरी वी गेट इक्वेशन ट्वेल्व आफ्टर डिफ्रेंसिएटिंग इक्वेशन इलेवन विथ रिस्पेक्ट टू जेड नाउ यूजिंग इक्वेशन नाइन विच इज डेल बी वन वाई अपॉन डेल्टी इज्कवल टू माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल्टी इन दिस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन दैट इज एल एच एस ऑफ इक्वेशन नाइन सॉरी इक्वेशन ट्वेल्व विच इज द लास्ट इक्वेशन वी हैव ऑफ सो यूजिंग इक्वेशन नाइन इन इक्वेशन ट्वेल्व दैट इज इन दबअ इक्वेशन वी गेट द फाइनल रिजल्ट इन इक्वेशन इन प्लेस ऑफ डेल ई एक्स अपॉन डेल्टी वी कैन राइट माइनस डेल बी वन वाई अपॉन डेल्टी सो एल एच एस बिकम्स डेल अपॉन डेल जेड अंडर ब्रैकेट माइनस डेल बी वन वाई अपॉन डेल्टी एंड आर एच एस इज माइनस बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो इंटू डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस वन वाई म्यू नॉट सिग्मा इंटू डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डेल्टी नाउंग आउट टेकिंग माइनस कॉमन इन आर एच एस सो इन एल माइनस टर्म है आर में भी माइनस टर्म है सो माइनस टर्म इन एलिचिस एंड आर एच एस विल कैंसिल आउट आफ्टर टेकिंग माइनस साइन आउट ऑफ द ब्रैकेट सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स माइनस माइनस का कैंसिलेशन हो जाएगा साइन का दोनों साइड में डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा टी का वैल्यू इक्वेशन नाइन से माइनस डेल बी वन बाई बाई डेल्टा टी रखने के बाद माइनस टर्म आएगा और आर में भी माइनस कॉमन ले लिया जाएगा दोनों टर्म में माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस uh, लेने पर जो बीच में साइन है सेकेंड टर्म के पहले निगेटिव साइन है वह पॉजिटिव हो जाएगा एंड माइनस माइनस दोनों साइड में साइड में कैंसिल हो जाएगा सो फाइनली वी गेट द रिजल्ट डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर वी हैव रिप्लेस डी एक्स अपॉन डी ई एक्स अपॉन डी टी बाई डेल बी वन वाई बाई डेल टी सो वी गेट डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इन एल एच एस एंड आर एच एस इज नाउ पॉजिटिव दैट इज बी जीरो स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो रो इन डेल स्क्वायर बी वन वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर plus 1 by mu 0 sigma into del square uh, b 1 by upon del z square into del t and this is equation number 13 which is the final equation and this is the equation uh, governing the propagation of uh, Alfvén waves that is this is the final equation this final equation is the equation of uh, propagation of Alfvén wave and where b naught upon mu uh, b naught upon uh, root under mu 0 rho इज भी ए दैट इज आल्फमेन स्पीड दैट इज दिस इज द फॉर्मूला फॉर आल्फमेन स्पीड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फोर्टीन सो वी हैव ऑप्टेंड बोथ इक्वेश्स ऑफ आल्फमेन इक्वेश बोथ इक्वेश्स ऑफ प्रोपजेशन ऑफ आल्फमेन वेव एंड ऑल्सो फॉर आल्फम स्पीड एज बी नॉट अपॉन रूट अंडर न्यू जीरो इंटू रो जो टर्म यहाँ प्रेजेंट है बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इन टू रो इक्वेशन थर्टीन जो फाइनल इक्वेशन है प्रोपिजेशन ऑफ आल्फम बेफ का उसके फर्स्ट टर्म में फर्स्ट uh, टर्म के फर्स्ट फर्स्ट टर्म में प्रेजेंट है टर्म बी नॉट एक्वायर अपॉन म्यू जीरो रो तो बी नॉट अपॉन रूट अंडर म्यू जीरो रो इजक्वल टू इजक्वल टू भी ए विच इज आल्फ स्पीड सो इट इज द फॉर्मूला फॉर द फॉर्मूला फॉर सो द फॉर्मूला फॉर आल्फेन स्पीड इज भी एक्वल्स टू भी कैपिटल ए इज कल टू बी नॉट अपॉन रूट अंडर म्यू जीरो इन रो नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा तो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा